शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहते हुए ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बासा गांव के दलित सरपंच सत्यमेव जयते और पप्पू राम की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। अखिल भारतीय कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग ने उत्तर प्रदेश में दलितों पर इस बढ़ते हमले को गंभीरता से लिया। इसके लिए इस विभाग के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत है। जबकि आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ की सीमा पर पुलिस ने डॉक्टर नितिन राउत को कार्यवाही से रोक दिया और हिरासत में भेज दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस की घुसपैठ के बावजूद डॉक्टर नितिन राउत शांतिपूर्वक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। आजमगढ़ जिले के बासगांव के प्रधान की दिन दहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या की गई है। उस कारण मैं उनके परिवार से मिलने के लिए जब आजमगढ़ आने की कोशिश में था तो आजमगढ़ के बॉर्डर पे जोरा बासपुर गांव के समीप यहाँ के जिला प्रशासन ने हमें रोक दिया है और हम सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं अभी कि हमें उस गांव में जाने दिया जाए। हम कोई गुनहगार नहीं है, हम लोग पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के। और आज हमारे दिवंगत पंतप्रधान श्री राजीव गांधी जी की जयंती है और उन्होंने 1989 में SC ST के एट्रोसिटीज़ का एक्ट लाया था। आज मुझे जो पता चल रहा है यहाँ पे प्रशासन के तरफ से कि अभी तक प्रशासन ने गुनहगारों को पकड़ा नहीं है, ना ही किसी प्रकार की मदद जिला प्रशासन ने उनके परिवार को, शोक संपन्न परिवार को की है। उसके वजह से मैं यहाँ आया था, लेकिन यहाँ की सरकार पूरी तरीके से घबराई हुई है कांग्रेस पार्टी से और वे कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को गांव में जाने नहीं दे रहे। इसलिए दौरा बासपुर में हम जहाँ उन्होंने हमें रोक रखा वहाँ पर हम यहाँ अनशन करने बैठ गए हैं। NBC न्यूज़ के लिए अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।